फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सिक्स मॉडल और डबल स्विच और डबल सॉकेट है, लेकिन एक स्विच से दोनों सॉकेट काम करेगा और एक स्विच जो बचेगा वो स्विच से एक लाइट पॉइंट जो लगा हुआ है होल्डर में बल्ब, वो यहाँ पर जलेगा। तो एक स्विच से हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि स्विच के जो नीचे घाट है इनपुट में, हमने दोनों स्विच पर शॉर्टिंग कर दिया है एक तार से, देख सकते हैं। और ये दो तार को मैंने कटिंग करके ट्विस्ट करके स्विच के आउटपुट पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और दोनों तार को हम लगाएंगे एक एक करके एक सॉकेट पर राइट साइड में, यानी कि जहां पर एल लिखा हुआ रहता है सॉकेट के राइट साइड पर एल लिखा हुआ रहता है, वहां पर हम इसे लगाएंगे, वहां पर इसे हम कनेक्शन करेंगे। तो आप देख लीजिए दोनों तार को मैंने छील दिया है, अभी हम राइट साइड पर इसे कनेक्शन करेंगे जहाँ पर L लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम सब जितना भी नट है इसके अंदर स्क्रू वगैरह सबको हम खोल लेते हैं पहले अच्छा से, क्योंकि जब न्यू रहता है ना तब थोड़ा सा टाइट रहता है, तो इसको खोलना में थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए ज़ोर से आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जितना भी स्क्रू है सबको खोल लेते हैं यहाँ पर, और अभी हम राइट साइड पर ये लगाते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक स्विच से दोनों सॉकेट काम करेगा, तो आपको एक स्विच का जो आउटपुट है उससे आपको दो तार लेना होगा और दोनों सॉकेट के राइट साइड पर लगाना होगा, यानी जहाँ पर एल लिखा हुआ रहता है वहाँ पर आपको ये कनेक्शन करना होगा, देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया दोनों तार को, जो कि एक स्विच के आउटपुट से दोनों तार निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल को, तो न्यूट्रल दोनों सॉकेट पर जाएगा। तो कोई भी सॉकेट से एक सॉकेट के यहाँ पर कनेक्शन करना है तो दोनों में से मैंने एक सॉकेट पर कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसको कटिंग करना है ऐसे करके, इतना बड़ा आपको काटना है जो कि नेक्स्ट जो सॉकेट है उस पर आ जाए न्यूट्रल, ये है, ठीक है। चलिए अभी हम बोर्ड के पास कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं बोर्ड के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड वाला तार है वो लाइट का है, यानी कि बल्ब से आया हुआ है, होल्डर बल्ब से। और इसमें आया हुआ है एक फेज, एक न्यूट्रल और एक इन्वर्टर, और ये लाइट पॉइंट का वायर है। तो सबसे पहले इसे हम कटिंग करेंगे इस वायर को, क्योंकि डबल है तो इसको कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो गिट्ठा लगा हुआ है उसको निकालेंगे। इसमें एक फेज, न्यूट्रल और इन्वर्टर, येल्लो जो तार है वो है फेज, ब्लैक वाला न्यूट्रल और रेड वाला इन्वर्टर वायर है। तो यहाँ पर हम पहले इसको लाइट पॉइंट का जो दो तार है उसको छीलना है और एक न्यूट्रल में कॉमन करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस वायर को, एक वायर को लाइट वाला, एक वायर को इस पर कॉमन करना है, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा, यानी कि न्यूट्रल कॉमन रहता है, न्यूट्रल बल्ब पर हमेशा रहेगा और फेज जो है वो कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को कॉमन कर दिया है और अभी हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे बोर्ड पर, स्विच बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए ये एक सॉकेट का लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर दोनों तार जाएगा, यानी कि सॉकेट के एक न्यूट्रल वाला तार और एक जो ब्लैक वाला जो तार आया हुआ है न्यूट्रल, वो दोनों सॉकेट के लेफ्ट तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों सॉकेट के लेफ्ट तरफ मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अभी यहाँ पर हम इन्वर्टर तार को अंदर घुसा देंगे, क्योंकि अभी इन्वर्टर तार हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, इन्वर्टर तार अभी कनेक्शन नहीं, क्योंकि इन्वर्टर अभी लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम ये फेज़ है तो इसको हम लगाएंगे स्विच के इनपुट पर, जहाँ पर मैंने शॉर्टिंग किया था दोनों स्विच को, देखिए यहाँ पर। तो क्योंकि फेज हमेशा रहेगा स्विच के इनपुट पर, जब ऑन करेंगे तो आउटपुट देगा, ठीक है। अभी एक स्विच बच गया है, उसको लगाएंगे, ये स्विच का जो तार है ये लगाएंगे, बल्ब का जो तार है उसको लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देंगे स्विच के, और एक स्विच है उसका आउटपुट में ये लगाएंगे हम। तो यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्शन होता है, एक स्विच से दो सॉकेट और एक स्विच से बल्ब का सिक्स मॉडुलर प्लेट। तो इसमें अगर अर्थिंग रहता तो अर्थिंग आपको देना पड़ता सॉकेट के ऊपर वाला घाट पर, जिसमें अर्थिंग
लिखा हुआ रहता है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कर दिया है। अभी यहाँ पर टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद मेरा बोर्ड जो होगा हो जाएगा कंप्लीट, और उसको सेट कर देंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड वाला स्विच वायर, जो येल्लो है वो फेज है और ब्लैक वाला न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।